अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बहन भाइयों, जहाँ रहे हो खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह मियाँ कामयाबियाँ अदा करें, आपको गमों परेशानियों से बचाए। मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट ले रही हूँ। जुमे का दिन है, सबको जुमा मुबारक हो, ज़िंदगी का नया दिन भी सबको मुबारक हो कि आप मेरे साथ रहें। आज के बाद की रूटीन, अभी की बात की रूटीन में आपसे शेयर करूँगी। आज ज़रा लेट हो गई हूँ, बस कोई ना कोई आ जाता है, आपको पता है, दुआ के लिए, तो इसलिए फिर अभी स्टार्ट होंगी। इंशाल्लाह जो कुछ भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी, मेरे लिए भी दुआ किया करें। हाँ जी, तरबूज काटने की ड्यूटी मेरी लगी, अभी मैं तरबूज काट रही हूँ, काटूँगी, बर्तन ले आई तरबूज काटने के लिए, थोड़ा सा काट लिए जी, अभी आधा काटना रहता है, अभी वो काटूंगी। एक मिनट की, हाँ जी कट गया है, अब इसको फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखेंगे। चलो अब लेके जाओ ये खुली के। ये हमारा छत है, वो बच्चे सामने खेल रहे हैं। ये हमारा मुर्गा है, इसने सारा देखे क्या हाल बनाया हुआ है अपने घर का, ये सारा ये देखे। नीचे पटाखे बजा रहे और हमारी वो देखे वो सारे बातें कर रहे। अब हम लोग बाय बाय टाटा। किसने मसाला बना रही हो आज? फिर मकरोनी बन रही है? आपका बेटा क्यों नहीं छोड़ता है? इस मेरे बेटे का पल ही समझाए, रोज की मकरोनी से मसाला बन रहा है। हाँ जी, शलजम गोश्त बने और साथ सफ़ेद चावल बनेंगे। मखानियाँ बॉयल हुई पड़ी हैं, तैयारियाँ शुरू हैं जी अफ्तारी की, असर का टाइम होने वाला है। साथ साथ ये आलू कटे हुए पड़े हैं पकौड़ों के लिए, और ये बेसन तैयार किया आलू, हुआ है आलू के लिए। पकौड़ों के बाद में आपने ट्राई करना ना। अच्छा जी, पकौड़ों का वो रेसिपीज रोज़ाना की तरह, ये प्याज कटा हुई सब्ज़ी कटी हुई है पकौड़ों के लिए, लगा हुआ चल रहा है काम जी सारा, आस्ता आस्ता तैयारियाँ हो रही हैं। मैकरोनियाँ डाल दी हैं इन्होंने, मेरे बेटे की फरमाइश है बड़े की, क्या फ्राइडे को घर में होते हैं, फ्राइडे को छुट्टी करते हैं ये अपने काम से, तो
फिर उनकी यही फरमाइश होती है कि जुमे के दिन, ऐसे भी रमज़ान के अलावा भी फ्राइडे को मकरूनियाँ, शाम को असर के बाद चाय के साथ मकरूनियाँ, इस किस्म की चीज़ें कुछ ना कुछ होना चाहिए साथ। मैंने तो आज इनको मना किया था, आज ही बनाओ बस करो, रोज़ ही बनती हैं। तो उसने कहा नहीं मेरे लिए तो बनाएं, फिर इसने कहा सब के लिए क्यों ना बनाऊँ, फिर सब के लिए बना देंगे। मैं आज जुम्मे को ना फ्राइडे का ये बस मुतालबा है। बाबा का बेटे रोज़ है ना, बाबा आपको कहाँ लेके जाएं? अच्छा मैं बोलती हूँ कहीं लेके जाएं। अच्छा बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ। किस थी कभी पकोड़े बनते हुए देखे नहीं? देखे तो आज देखें कैसे बनते हैं, रेसिपी आपको समझ में आ जाएगी। अभी बर्दाश्त करने पड़ेगा दो चार दिन आपको ऐसी ही रेसिपी हुई, ऐसी ही वीडियोस, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं नई कोई आपको शेयर करूँगी। टीवी देखा जा रहा है जी, सामने बैठ के दोनों मेरे पोते टीवी देख रहे हैं कैमरे में, कार्टून्स और कुछ नहीं, बस यही कुछ है। ये जी मेरे जो टमाटर लगे हुए हैं, ये बीज जो लगे टमाटर के बीज लगाए थे उसमें से निकली थी पनीरी, या फिर मैंने नहीं मुंतकिल की, क्योंकि जो भी चीज़ लगाती हूँ सारी ख़राब हो जाती है, बारिश ने सब कुछ तबाही मचाई हुई है, फिर किसी जगह में मुंतकिल ही नहीं की डाल के मारे। ये भी एक किस्म का सलाद ही है, ये जो जड़ी बूटियाँ खट्टी खट्टी होती है बहुत मज़े की, इसको खा के अगर देखें ना आप तो ज़बरदस्त चीज़ है ये, मैं अक्सर सलाद में खाती हूँ इसको। नीचे वाले पोर्शन में ज़रा जा रही हूँ, एक बीज इसमें निकला है अगर लग जाए तो, बाकी नीचे क्यारी में बारिश ने सारी तबाही मचा दी है, धनिया आपको बताया था ना वो सारा ख़राब हो गया, सिर्फ ये लहसुन लगा हुआ है और धनिया वनिया सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिए बारिश ने। यहाँ कल एक कद्दू का बीज निकला था वो भी कीड़े ने खा लिए, क्या किया पता नहीं, सुबह मैंने देखा है तो नहीं थे, हालांकि कल पत्ते निकले हुए थे उसके, सब कुछ तबाही मचा दी है कीड़े ने।
इधर भी जी मैक्रोनी सी है ना। हाँ जी यार पासा अच्छा नहीं, ये वो है स्पैगेटीज। हाँ जी ये बन रही है। इधर भी काम लगा हुआ है जी, ये स्पैगेटीज के लिए स्पैगेटीज का मसाला जी तैयार हो रहा है। चिकन शिकन सब्जियां बीच में और पकौड़े बनेंगे जी अभी। क्या बनाया है? हाँ अच्छा चिकन पुलाव। अच्छा सही है। हाँ जी बर्तन इधर भी लगे हुए हैं, सारा कुछ तैयार है जी, बस रोज़ा खुलने की देर है। शिकारपुर का अचार है जी जो मेरे लिए डाल रही है मेरी बहू। लगा ही हुआ है अभी तक काम, इधर कोई नई चीज़ तैयार नहीं हुई अभी। हाँ जी ये कुकिंग के काम तो चलते रहेंगे जब तक अफ्तारी नहीं हो जाती। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। जहाँ रहे खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह मियाँ अपने हिफ्ज़ो अमान में आपको रखे। मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और दोस्तों में शेयर भी किया करें और नए आने वाले सब्सक्राइब भी किया करें। कल एक नए बंदे ने सब्सक्राइब किया, मुझे बड़ी खुशी हुई है, मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ा है, तो शुक्रिया जी। और मेरी वीडियो जिसने किया है बाकायदगी से देखनी, अच्छी लगे या ना लगे, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और जा रहे हैं खुश रहें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।